नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तमिल रॉकर्स एजेंसी पर। महेश बाबू जो कि साउथ के इतने बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी कई फिल्में सुपरहिट जा चुकी, वो अपनी नई मूवी को संक्रांति पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकारू वारी पट्टा मूवी की। अगर बात करें इस मूवी की कास्ट की तो इसमें महेश बाबू और कीर्ति सुरेश मेन लीड के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इसमें सुबा राजू और वेनिला किशोर भी देखने को मिल जाते हैं। वेनिला किशोर काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं अगर कॉमेडी की बात माने तो, अगर साउथ इंडस्ट्री में बात करी जाए तो। यह फिल्म परशुराम के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। वैसे यह फिल्म 14 जनवरी 2022 को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी और 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति है, जो कि काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है साउथ इंडस्ट्री की तरफ। यह फिल्म की अगर बात करें तो यह फिल्म क्लैश करने जा रही है राधे श्याम के साथ, जो कि 500 करोड़ के बजट के साथ बनी है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वो भी फिल्म होने वाली है। लेकिन इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 100 करोड़ ही है, पर हम बजट से किसी फिल्म को निर्णय नहीं दे सकते अच्छी है या नहीं। हमें देखना पड़ेगा पहले कौन सी फिल्म कितनी अच्छी स्क्रिप्ट वाइज है, तभी पता चलेगा कि कौन सी फिल्म बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की तो यह फिल्म 14 जनवरी को देखने को तो मिल ही जाएगी, लेकिन यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी होने वाली है महेश बाबू के करियर के हिसाब से, क्योंकि यह फिल्म उनके करियर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी सुपरहिट एक्सपेक्ट करी जा रही है। क्योंकि यह इस फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और र्यूमर्स भी ऐसी हैं कि यह बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म होने जा वाली है। तो इसके अगले अपडेट के लिए वेट करें हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।